खबर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया से आई है, जहां पर 42वें सीनियर नेशनल महिला फुटबॉल स्पर्धा का आरंभ हुआ है। लोकसभा के पैनल स्पीकर डॉक्टर किरीट सोलंकी की उपस्थिति में इस राष्ट्रीय खेल स्पर्धा की शुरुआत करवाई गई। महिला फुटबॉल स्पर्धा में देश की 20 जितनी टीमें हिस्सा ले रही है। भारत के विभिन्न राज्यों से लड़कियों की टीमों ने इसमें शिरकत की है। इस चैंपियनशिप के पहले दिन पंजाब और आसाम के बीच मैच खेला गया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने की शपथ भी ली गई। वहीं डॉक्टर किरीट सोलंकी ने केवड़िया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाए जाए ऐसी भी इच्छा जाहिर की थी। इस मौके पर बड़ौदा के पूर्व डेप्यूटी मेयर डॉक्टर जीवराज चौहान भी मौजूद रहे थे। आने वाली 26 मार्च तक ये राष्ट्रीय महिला फुटबॉल स्पर्धा केवड़िया में खेले जाने वाली है। आज यहाँ केवड़िया कॉलोनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 42वां जो नेशनल वीमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ और यहाँ पूरे देश से महिलाओं की 20 टीम यहाँ उपस्थित हुई है फुटबॉल खेलने के लिए। और इस कार्यक्रम में इसके जो राष्ट्रीय महासचिव श्री साबिर अली जी यहाँ हैं, यहाँ गुजरात के प्रमुख श्री अरुण भाई साधु और गुजरात की महासचिव बहन टीना कृष्णादास जी हैं, और उनके अथक प्रयत्नों से ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से जो महिला हमारी बच्चियों का जो हौसला है, जिस प्रकार से वो फुटबॉल खेलने के लिए तत्पर है, मुझे लगता है कि ये गेम में आने वाले समय में वो देश का नाम देश में या देश की सरहदों के बाहर इंटरनेशनल स्टेज पर भी वो उजागर करेंगे। इस प्रकार का ये पहला आयोजन यहाँ किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम है। बहुत दूर दूर से हमारी महिला खिलाड़ियों ट्रैवल करके दो दो दिन, तीन तीन दिन, उससे भी ज़्यादा समय कर ट्रैवल करके यहाँ आए, और मैं उनको मिला और जब मैंने उनका हौसला देखा, मैं उनका जो कॉन्फिडेंस देखा, मैं समझता हूँ कि उनमें एक जज्बा है और इस जज्बा के तौर पर देश का फुटबॉल, महिला फुटबॉल अपना नाम रोशन करेगा। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।